तो बेटा आज हमें पढ़ना है लिपिड्स। अभी हमें क्या पढ़ना है? लिपिड्स। देखो भाई लिपिड्स क्या है? लिपिड एक पॉलीमर नहीं है। हमने पहले ही देखा था लिपिड्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो लिपिड्स के बारे में पढ़ते पढ़ते एक चीज़ आपको याद होगी कि जब हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स को इस एक्सपेरिमेंट के तहत अलग किया था, तो मुझे पता लगा कि एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर तो नहीं आया था। कौन? लिपिड्स। लिपिड्स कहाँ पर पहुँचे? लिपिड्स हमें मिले थे एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर। लेकिन बेटा याद रखना, वो एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर होने पर भी मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, बड़े मॉलिक्यूल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा वो पानी में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जो फैट है, लिपिड है, लिपिड कभी पानी में मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता। बस बेटा इसी वजह से ये गलती से यहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि पानी में मिल नहीं पाया, एसिड में मिल नहीं पाया, तो ना मिलने वालों के साथ बेचारा रह गया। इसलिए हम इसे, एक ये नॉन पॉलीमर है, ऊपर से ये क्या है? नॉट अ ट्रू मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, बस मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, बताया तो है क्या। तो लिपिड एक पॉलीमर नहीं है, वाटर में नहीं घुल सकता, फैट कभी पानी में नहीं घुल सकते, और वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट्स, तो पोलर सॉल्वेंट्स में कभी नहीं घुले। अब भाई ये क्लासिफिकेशन देखो लिपिड्स के, लिपिड का रूप क्या है, अलग अलग क्या तरीके हैं, या क्या क्या क्लासिफिकेशन है? तो इन्हें क्लासीफाई, टाइप नहीं है ये, क्लासिफिकेशन है, टाइप्स नहीं है, क्लासीफाई किया है उनको अलग अलग। टाइप तो बेटा क्लासिफिकेशन के अंदर होते हैं, है ना? टाइप तो क्लासिफिकेशन के और अंदर होते हैं, समझ में आया? देखो पहले होते हैं भाई सिंपल लिपिड, दूसरे कंपाउंड लिपिड, और तीसरा है लिपिड डेरिवेटिव्स। यानी पहले सिंपल लिपिड होगा, नॉर्मल सिंपल एकदम, अगला कंपाउंड ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना होगा, और लिपिड डेरिवेटिव जो लिपिड सर से कुछ और नई चीज़ बन जाए उसे हम लिपिड का डेरिवेटिव बोलेंगे। बस ये तीन क्लासिफिकेशन है। सिंपल लिपिड की बात करें तो इसी को हम ट्रू लिपिड भी कहते हैं या नेचुरल लिपिड भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वैक्स, पेड़ से मिलती है ना वैक्स, बहुत बढ़िया। अगला कंपाउंड, कंपाउंड बेटा कंपाउंड लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स का एग्जांपल देखो, इसको बेटा हम कंजुगेट लिपिड भी बोल देते हैं। कंपाउंड लिपिड्स को कंजुगेट, क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ों के कंजुगेट होने से, जुड़ने से, मैथ्स का टर्म है ये, जुड़ने से बनती है। अच्छा क्या होती है वो दो चीज़ें? एक होती है लिपिड पार्ट, एक होती है नॉन लिपिड पार्ट। तो लिपिड पार्ट और नॉन लिपिड पार्ट जब मिलता है तो वो क्या बन जाता है? कंपाउंड हो गया ना, कंपाउंड लिपिड्स, या कंजुगेट लिपिड हो गया। बेटा गेट बंद करो, आवाज़ आ रही है। ठीक है, गेट बंद करके जाओ। अगला देखो बेटा, तब कंपाउंड लिपिड के अंदर भी हमारे पास और कैटेगरीज है। देखो क्या है, पहला है फॉस्फोलिपिड, अगला है बेटा ग्लाइकोलिपिड, फिर है लिपोप्रोटीन्स, और फिर है क्रोमोलिपिड्स। ठीक है बेटा, अच्छा याद रखना बेटा, हमारी एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बताया गया है आगे, तो हम फॉस्फोलिपिड्स पर ही फोकस करेंगे, बाकी को सिर्फ ये देखेंगे। हाँ भाई नाम होते हैं ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, क्रोमोलिपिड्स, बात कर रहा हूँ। अब आगे क्लासिफिकेशन क्या आ रही है भैया हमारे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में? अच्छा एक चीज़ समझना, अब लिपिड डेरिवेटिव्स का देख लो, तो जो चीज़ें बेटा लिपिड से बन जाएं वो लिपिड की डेरिवेटिव है। सबसे मेन बात है स्टेरॉइड, तो लिपिड डेरिवेटिव कौन है? स्टेरॉइड्स। और सबसे मेन एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो दिया है हमारी एनसीईआरटी में, वो कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बेटा कुछ चीज़ जान लो, कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड नहीं मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल में फैटी एसिड नहीं मिलेगा। एल्कोहल, एल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा, है ना? गलती से गलत लिख दिया मैंने, और लिखे, है ना? अगला, ये कहाँ बनता है भाई कोलेस्ट्रॉल? लीवर के अंदर बनता है। किसके यूज़ से बनता है? एसिटिक एसिड के यूज़ से बनता है। देखो बेटा अब जरा सिंपल लिपिड्स पढ़ते हैं।